Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video, and topic of my video today is braces. Already मैं इस topic पे एक video बना चुकी हूँ, अपनी braces की story बताई है, पर यहाँ पे मैं small video में ये बताऊंगी कि क्या आप interview में braces के साथ जा सकते हैं. अगर आपने braces लगाए हुए हैं तो आप interview में नहीं जा सकते. Second, क्या आप braces के साथ fly कर सकते हैं? Yes. Yes, आप ब्रेसेस के साथ फ्लाई कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि वो ब्रेसेस आउटसाइड नहीं इनसाइड होनी चाहिए. अगर आपके दांत के अंदर वाले पार्ट में ब्रेसेस है तो आप फ्लाइंग कर सकते हैं. वो ब्रेसेस अंदर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. थर्ड, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इंटरव्यू में ब्रेसेस लगा के जाएं और आपकी ब्रेसेस एक मंथ में निकलने वाली हो? ऐसा कुछ कुछ एयरलाइंस में पॉसिबल है. अगर आप ब्रेसेस के साथ जाते हैं और अगर आप इंटरव्यू देते हैं और अगर आप उनको बताएं कि मेरी ब्रेसेस एक महीने में निकलने वाली है, कुछ कुछ एयरलाइंस इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट कुछ कुछ एयरलाइंस देखती हैं कि आपको ब्रेसेस और वो मना कर देती है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस. अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आपकी एयरलाइंस आपको इंटरव्यू देने देगी ब्रेसेस के साथ एंड वो एक्सेप्ट करेगी. एंड जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपको ब्रेसेस रिमूव करके जाना पड़ेगा. फोर्थ, क्या ब्रेसेस लगवाना इम्पॉर्टेंट है? नो, नॉट एट ऑल. आपको अगर कैबिन क्रू बनना है तो आपको ब्रेसेस लगवाना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये आपकी इच्छा है अगर आपको ब्रेसेस लगवाना है तो. कुछ कुछ लोगों की इच्छा होती है ब्रेसेस लगवाने के लिए, इसलिए वो ब्रेसेस लगाते हैं. कुछ कुछ लोगों के दांत में स्पेसिफिकली कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो ब्रेसेस लगाते हैं. पर क्योंकि आपको कैबिन क्रू बनना है इसलिए ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको कैबिन क्रू बनना है तो आप विदाउट ब्रेसेस भी कैबिन क्रू बन सकते हैं. फिफ्थ, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े या बाहर या टूटे हुए हैं तो क्या आपकी एयरलाइन आपको एक्सेप्ट करेगी? यस. आप अगर डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई करते हैं, अगर आपके दांत थोड़े से बाहर हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, टूटे हुए हैं या नकली हैं, तो भी आपकी एयरलाइंस आपको एक्सेप्ट करेगी. बस क्लॉज यह है कि वाइल स्माइलिंग यू शुड लुक गुड. जो आपकी स्माइल है वो अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट. ऐसा कुछ नहीं है कि आपके दांत अंदर ही होने चाहिए, बाहर ही होने चाहिए, सीधे ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप नॉर्मल स्माइल करते हुए अच्छे लगते हैं तो आपकी एयरलाइंस आपको एक्सेप्ट करेगी. अगर आपके नकली दांत हैं तो भी आपकी एयरलाइन आपको एक्सेप्ट करेगी. अगर आपके आगे के दांत टूटे हुए हैं थोड़े बहुत, अगर आप उसको शेप करा सकते हैं तो भी आपकी एयरलाइन आपको एक्सेप्ट करेगी. अगर आपको पहले ब्रेसेस लग चुके हैं तो भी आपकी एयरलाइन आपको एक्सेप्ट करेगी. आई होप आपके टीथ के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे. जस्ट इन केस अभी भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, एंड अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो आई विल डेफिनेटली आंसर इट. एंड जस्ट इन केस यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. बाय.